हरे कृष्णा। तो क्योंकि जगन्नाथ जी का मौसम चल रहा है और रथ यात्रा भी हो रही है, जगन्नाथ जी भी खुश है, उनके भक्त भी खुश है, तो क्योंकि जगन्नाथ जी का मौसम है, रथ यात्रा का मौसम है, तो आज जगन्नाथ जी के भक्त के ऊपर थोड़ा हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और जैसे कि देखा जाता है कि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को कोई भी भोग लगने से पहले सुबह सुबह उनको खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। ऐसा क्यों? ये खिचड़ी की ये जो रीति रिवाज है, ये जो प्रथा है, ये कहाँ से शुरू हुई, तो इसके ऊपर भी एक बहुत ही सुंदर स्टोरी आती है कि क्या हुआ, खिचड़ी क्यों भगवान जगन्नाथ जी स्वीकार करते हैं सुबह सुबह। तो कर्माबाई नाम की एक शुद्ध भक्त थी जगन्नाथ जी के। वो थोड़ी बुजुर्ग थी लेकिन जगन्नाथ जी की बहुत ही शुद्ध भक्त थी, और वो जगन्नाथ जी को वात्सल्य रूप में, माता पिता के रूप में प्रेम करती थी कि जगन्नाथ जी मेरे तो बच्चे जैसे हैं और मैं उनकी माता हूँ, तो ऐसे प्रेम किया करती थी। कर्माबाई वैसे तो जगन्नाथ जी को बढ़िया बढ़िया भोग लगाया करती थी, टेस्टी टेस्टी पकवान बनाकर खिलाया करती थी, लेकिन एक दिन कर्माबाई ने सोचा कि आज मैं जगन्नाथ जी को खिचड़ी बनाऊँगी, खिचड़ी बना के मैं खिलाऊँगी जगन्नाथ जी को। तो उन्होंने खिचड़ी बनाई और जगन्नाथ जी को खिलाई, और वो खिचड़ी खा के जगन्नाथ जी को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि जगन्नाथ जी ने उनके पास पर्सनली आया करते थे खिचड़ी खाने के लिए। जगन्नाथ जी ने उनसे कहा कि अब से मैं हर सुबह आऊँगा, किवाट खुलने से पहले मैं आऊँगा, मंगल आरती के पहले मैं आऊँगा, खिचड़ी खाऊँगा और खिचड़ी खा के मैं निकल जाया करूँगा, क्योंकि बाद में जब किवाट खुलेंगे और जब देखेंगे कि भगवान नहीं है तो फिर तो ये तो बहुत ही आश्चर्यचकित वाली बात हो जाएगी, पांडा लोग भी सोचेंगे कि कहाँ चले गए भगवान अचानक से। तो उन्होंने कहा कि मैं किवाट खुलने से पहले सुबह सुबह मैं आऊँगा, खिचड़ी खाऊँगा और खिचड़ी खा के मैं निकल जाया करूँगा। ठीक है, तो कर्माबाई ने भी कहा ओके डील डन सर, आप आना, मैं आपको खिचड़ी खिलाऊँगी बहुत बढ़िया करके। तो हर रोज सुबह सुबह कर्माबाई उठ जाती थी मंगल आरती के पहले, किवाट खुलने से पहले, और उठकर ही डायरेक्ट किचन में चली जाती थी और खिचड़ी बनाती थी, और जगन्नाथ जी आते थे वो जगन्नाथ जी को खिचड़ी खिलाती थी। तो ऐसा हर रोज़ आते थे जगन्नाथ जी, और वो भी हर रोज़ उठने के साथ साथ वो किचन में जाके खिचड़ी बनाकर जगन्नाथ जी को खिलाती थी, और कभी वो जगन्नाथ जी को खिलाए, कभी जगन्नाथ जी उनको खिलाए, वैसे ही वात्सल्यता के रूप में, वात्सल्यता भाव में, वात्सल्यता के भाव में उनका आदान प्रदान ये चला। तो ऐसा हर रोज़ आते थे जगन्नाथ जी, बड़े ही चाव के साथ वो खिचड़ी खाते थे, खिचड़ी खाने के बाद मुँह धोते थे, मुँह धोने के बाद वो डायरेक्ट ऑल्टर में चले जाते थे, ऑल्टर में बिफोर पुजारी ओपन्स द गेट वो डायरेक्ट ऑल्टर में चले जाते थे। तो ऐसा रोज़ चला, जगन्नाथ जी आते थे, भोग स्वीकार करते थे और चले जाया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक संत आया और कर्माबाई के वहाँ ठहरने के लिए आया, वो जगन्नाथपुरी और कर्माबाई के वहाँ वो ठहर रहा था। तो उन्होंने देखा कि कर्माबाई रोज़ सुबह उठती थी और डायरेक्ट उठने के साथ साथ वो किचन में चली जाती थी, ना नहाया धोया, ना साफ सफाई की, ना किचन को साफ किया, ना बर्तन को साफ किया, डायरेक्ट उठी किचन में जाती थी और खिचड़ी बनाती थी। उन्होंने सोचा अरे ये सब क्या है, थोड़ा नहाओ धो, थोड़ा साफ़ सफाई करो, थोड़ा भगवान का नाम लो, फिर किचन में जाओ, इतना क्या लगा हो गया भाई खाने पीने से, ये सब किया। तो उन्होंने ये देखा, वो सन्यासी ने देखा कर्माबाई को, तो वो संत गए कर्माबाई के पास और कर्माबाई को कहा देखो कर्मा भाई धाम में रह रही हो, थोड़ा अकल तो होना चाहिए ना, ऐसा क्या तुम सुबह सुबह उठकर डायरेक्ट किचन में चली जाती हो, इतना क्या हो गया खाने पीने से लगाव, इतना क्या है, हाँ थोड़ा नहाओ धो, साफ़ सफाई करो, थोड़ा बर्तन माजो, थोड़ा किचन को साफ़ करो, भगवान का नाम लो, भागवतम क्लास सुनो, उसके बाद किचन में जाओ, इतना क्या लगाव हो गया खाने पीने से। देखो कर्माबाई, तो कर्माबाई ने कहा अरे मैं क्या करूँ, जगन्नाथ जी आते हैं ना, वो सुबह सुबह आते हैं, उनको बहुत पसंद है ये खिचड़ी, इसलिए मैं सुबह सुबह उठकर डायरेक्ट किचन में चली जाती हूँ और मैं खिचड़ी बनाती हूँ। तो उस सन्यासी ने कहा अच्छा जगन्नाथ जी आते सुबह सुबह, भाई इतना क्या लगाव हो गया तेरी खिचड़ी से, तेरी खिचड़ी में इतना है क्या जो जगन्नाथ जी स्वयं आएंगे मंदिर से उठकर और तेरी खिचड़ी खाएंगे, हट ये सब मत करो, देखो सबसे पहले उठो, थोड़ा नहाओ धो, बर्तन माजो, किचन साफ करो, घर वर साफ करो, उसके बाद खाना बनाओ, भगवान को भोग लगाओ तुलसी पत्र के साथ। देखो कर्माबाई उठने के साथ साथ डायरेक्ट किचन में नहीं जाना चाहिए, ये स्वच्छता कहाँ से आएगी, स्वच्छता आएगी तभी तो सतोगुण बढ़ेगा ना, स्वच्छता है ही नहीं तुम्हारे अंदर, तुम बिना नहाए धोए किचन में चली जाती हो, स्वच्छता का पालन करना चाहिए ना थोड़ा, तभी तो सतोगुण आएगा, तभी तो तुम भक्ति कर पाओगी। तो कर्माबाई ने सोचा ठीक है मान लेते, अभी संत महात्मा जी कहते हैं, अभी साधु कह रहे हैं तो साधु की बात तो माननी चाहिए। तो कर्माबाई फिर उनकी बात को मान लिया उन्होंने, ठीक है अभी आपने जैसा कहा मैं वैसा करूँगी। तो फिर जगन्नाथ जी आए नेक्स्ट दिन, तो फिर जगन्नाथ जी ने देखा कर्माबाई, कर्माबाई कहाँ हो आप कर्माबाई, तो कर्माबाई ने कहा अरे मैं नहा रही हूँ, मैं थोड़ा शुद्ध होंगी ना उसके बाद मैं आऊँगी। तो फिर जगन्नाथ जी ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है आप जल्दी करो, कहीं वो कपाट खुलना जाए, कहीं वो गेट खुलना जाए, पुजारी ने देख लिया कि मैं नहीं हूँ तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा, कर्माबाई जल्दी करो। तो उन्होंने कहा हाँ 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 मैं आ रही हूँ आ रही हूँ। तो जगन्नाथ जी ने वेट किया थोड़ी देर,
फिर कर्मा भाई आए, नहाकर आए, एकदम तैयार वैयार होके आए। फिर कर्मा भाई फिर से चली गई किचन की तरफ। तो उन्होंने कहा, अरे कर्मा भाई कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा, नहीं मैं पहले किचन को साफ़ करूँगी ना, साफ़ सफाई थोड़ा सा करना चाहिए, फिर खाना बना के आपको भूख लगाऊंगी। तो उन्होंने कहा, अरे ये सब तुम क्या कर रही हो, पहले तो कभी नहीं करती थी, आज ऐसे करके क्यों कर रही हो? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं साफ़ सफाई करनी चाहिए, अगर साफ़ सफाई करेंगे तभी तो शतगुण बढ़ता है ना। तो जगन्नाथ जी ने कहा, अच्छा ठीक है थोड़ा जल्दी करो जल्दी करो, किवाट खुलना जाए, जल्दी 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 करो। तो उन्होंने वेट किया। फिर कर्मा भाई खिचड़ी बनाना उन्होंने स्टार्ट किया। फिर उन्होंने खिचड़ी बनाकर दी जगन्नाथ जी को। तो फिर जगन्नाथ जी खिचड़ी खाए जल्दी जल्दी खा भी नहीं पाए, आधी खाए आधी रह गई। और फिर जगन्नाथ जी ने कहा, अरे कर्मा भाई ये तूने क्या कर दिया, पहले इतना अच्छा स्वाद आता था, अभी वो भाव नहीं आ रहा, वो टेस्ट नहीं आ रहा, अरे इतना दिन से इतना अच्छा चल रहा था, आज तूने ये क्या कर दिया कर्मा भाई, वो भाव नहीं आ रहा। तो फिर उन्होंने आधा खाया आधा नहीं खाया, उनको लेट हो रहा था, किवाड़ भी खुलने वाला था, मुंह भी अच्छे से नहीं धो पाए। तो फिर जब जगन्नाथ जी बाहर आए, उन्होंने देखा कि वो संत बाहर बैठ के ध्यान लगा रहा है। उन्होंने देखा, अच्छा इसने बेड़ा गर्क किया है मेरी माता का, कर्मा भाई का। तो फिर जगन्नाथ जी तो अभी तो किवाड़ खुलने वाला है, तो वो कुछ कर नहीं पाए, वो डायरेक्ट चले गए ऑल्टर की तरफ, मुंह भी नहीं धो पाए, ऑल्टर की तरफ चले गए। तो जब पुजारी ने किवाट खोला, पुजारी ने देखा पूरे मुंह में जगन्नाथ जी की खिचड़ी लगी हुई है, वो प्रक्षालन भी नहीं कर पाए। तो पुजारी ने सोचा, अरे ये खिचड़ी कहाँ से लग गई, मैंने तो किवाट अभी खोला है, मैंने तो भोग भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, ये जगन्नाथ जी के मुँह में खिचड़ी। तो फिर उस जगन्नाथ जी ने बताया पुजारी को, देखो सीधा सीधा बात है, तुम यही पूजा करते हो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम अंदर के इंसान हो, ये मैं कर्मा भाई के पास जाया करता था, उसकी खिचड़ी इतनी अच्छी लगती थी मुझे, वो मेरी शुद्ध भक्त है, मैं उसके पास जाकर खिचड़ी पाया करता था। ये कौन सा ये संत रुका हुआ है कर्मा भाई के वहाँ, जिसने कर्मा भाई को कुछ अलग ही पट्टी परवा दी, और आज देखो लेट हो गया, मैं खिचड़ी भी अच्छे से नहीं खा पाया, मुँह भी प्रक्षालन नहीं कर पाया, और वो स्वाद भी नहीं आ रहा है खिचड़ी से। तुम जाओ साफ साफ जाके उसको कह दो कि कर्मा भाई को बोले कि वापस जैसे वो कर रही थी वैसे ही करने के लिए जाओ प्लीज। तो वो पंडा गया उस संत के पास, वो हेड प्रीस्ट गया, और वो कहा, अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हो, क्या पट्टी पराई अपने कर्मा भाई को, ये साफ सफाई होती है ना, ये हम जैसे भक्तों के लिए है, हम लोग वैदिक साधना भक्ति करते हैं ना, ये साफ सफाई हमारे के लिए है, वो उच्च वैष्णवी है, वो भगवान की शुद्ध भक्त है, बड़ी उच्च वैष्णवी है, प्रेम में सेवा करती है भगवान की, क्या पट्टी पराया तुमने उसको। अरे तो उसने कहा, अरे इतनी क्या बड़ी बात हो गई, जगन्नाथ जी का पंडा खुद आकर मेरे को बोल रहा है। तो उन्होंने कहा, नहीं 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 सॉरी गलती हो गई, अगले महीने दीक्षा हुई ना मेरी, तो मेरी थोड़ा दिमाग घूम गई, तो आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई कर्मा भाई, देखो मुझसे ना गलती हो गई, आप जैसे पहले कुकिंग करती थी ना, आप वैसे ही कुकिंग कीजिए, आप वैसे ही जगन्नाथ जी को खिलाइए, जगन्नाथ जी को आपकी वो वाली खिचड़ी ना बहुत पसंद है, तो आप वैसे ही खिचड़ी बनाइए, आप ये सब जो मैंने कहा ये सब आप फॉलो मत कीजिए। फिर उसके बाद कर्मा भाई डेली जैसे वो खिचड़ी बनाया करती थी, वो खिचड़ी बनाती थी, जगन्नाथ जी आते थे, जगन्नाथ जी को खिलाती थी, और इस तरह चलता रहा, कुछ सालों तक ये चलता रहा। फिर कर्मा भाई ने एक दिन अपना देह त्याग दिया, उन्होंने अपने शरीर को छोड़ के वो भगवान के धाम चली गई। तो उस दिन जिस दिन किवाट खोला, जिस दिन कर्मा भाई ने अपना शरीर छोड़ा, उस दिन जब किवाट खोला तो पुजारी ने देखा कि जगन्नाथ जी की आंखों में आंसू लपक लपक कर आंसू गिर रहे हैं नीचे, टप 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 करके पानी की तरह आंसू गिर रहे। पुजारी ने सोचा, अरे जगन्नाथ जी रो रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। फिर पुजारी ने पूछा, अरे जगन्नाथ जी आपकी आंखों में आंसू, आप तो जगत के नाथ है, आप रो रहे हो। तो जगन्नाथ जी ने कहा, अरे मेरी वो शुद्ध भक्त थी ना कर्मा भाई, वो ना अभी मेरे नित्य धाम को चली गई, अब मुझे डेली खिचड़ी कौन खिलाएगा, उसका प्रेम का जो भाव था वो वाली खिचड़ी मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन अब तो वो मेरे धाम चली गई, अभी मेरे को खिचड़ी कौन खिलाएगा। तो फिर पंडित ने कहा कि अरे हम खिलाएंगे ना आपको खिचड़ी, हम खिलाएंगे आपको, हर रोज़ हम आपको खिचड़ी खिलाएंगे। तो ऐसे जगन्नाथ जी को हर रोज़ सुबह कुछ भी भोग लगने से पहले उनको खिचड़ी भोग लगाया करता था। तो ऐसा चलता रहा उनको हर रोज़ सुबह कुछ भी भोग लगने से पहले पंडा लोग क्या कर रहे, खिचड़ी बनाकर खिचड़ी खिला करते थे। तो सोचा अभी बहुत दिन खिचड़ी खा लिया, अभी ये रीति रिवाज हम लोग बंद करते हैं, हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट भगवान को जैसे पहले सेवा करते थे वैसे हम सेवा करेंगे। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने खिचड़ी भोग में नहीं लगाई, तो फिर जब उन्होंने 56 भोग बाकी सारी जो भी भोग थी उन्होंने जब भगवान को भोग में लगाया तो भगवान ने भोग स्वीकार नहीं किया। अब कैसे पता चलता है कि जगन्नाथ जी ने भोग स्वीकार किया कि नहीं किया। जगन्नाथ जी के सामने एक पानी का कसोला रखा जाता है, अगर उस पानी के कसोले में, उस पानी के यूटेंसिल में अगर जगन्नाथ जी का फेस रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब जगन्नाथ जी ने भोजन स्वीकार किया है, भोग स्वीकार किया है। अगर रिफ्लेक्ट नहीं होता है उसका मतलब जगन्नाथ जी ने भोजन स्वीकार नहीं किया है। तो और अगर एक बार जगन्नाथ जी भोजन स्वीकार ना करें तो जितने भी सारा भोजन है उसको फेंक दिया जाता है, सारा का सारा फेंक दिया जाता है। तो जगन्नाथ जी ने उस दिन भोजन स्वीकार नहीं किया, तो सारा का सारा भोजन उन्होंने फेंक दिया। फिर से दोबारा भोजन बनाया स्टार्टिंग से और फिर से भोग लगाया, उन्होंने फिर से स्वीकार नहीं किया। तो पंडा ने पूछा, अरे जगन्नाथ जी ये क्या हो गया, आप भोग स्वीकार नहीं कर रहे, दो बार हम लोगों ने आपको 56 भोग से भी ज़्यादा भोग बनाकर हमने आपको लगा दिया, आप भोग स्वीकार नहीं कर रहे। जगन्नाथ जी ने कहा कि नहीं, पहले मैं कर्मा बाई की खिचड़ी खाऊंगा, उसके बाद ही मैं भोग स्वीकार करूंगा।
तब सारे पंडा को पता चल गया कि नहीं, कर्मा भाई की खिचड़ी हमको बनाकर भगवान को भोग लगानी ही लगानी है, वरना भगवान भोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए सुबह सुबह मंगल आरती होने के समय ही भगवान को खिचड़ी ऑफर की जाती है। यह है कर्मा भाई की, भगवान की शुद्ध भक्तों की गाथा, उनकी स्टोरीज, उनकी लीलाएँ, उनके भगवान के साथ आदान प्रदान। ऐसे करते हैं भगवान अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट। क्योंकि जगन्नाथपुरी है और जगन्नाथपुरी में प्रसाद की बहुत ही ज़्यादा महिमा है। यह जगन्नाथपुरी में एकादशी देवी को उल्टा टांग कर रखा जाता है। एकादशी नहीं मनाई जाती जगन्नाथपुरी में, क्योंकि जगन्नाथपुरी में खाने की महिमा है, भोजन की महिमा है। हज़ार बार अगर कोई बहुत ही पुण्य आत्मा वाला यज्ञ करे, उससे बेटर है कि अगर कोई एक बार जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पाले तो सेम फल मिलेगा उसको उस हज़ार बार पुण्य आत्मा वाले यज्ञ करने से, अगर वो एक बार जगन्नाथ जी का प्रसाद खा ले, सेम फल मिलता है। तो जगन्नाथ जी क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग लीला स्थान है, अलग अलग जगह भगवान श्री लीला करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सोते हैं रंग क्षेत्र में, भगवान श्री कृष्ण कपड़े पहनते हैं द्वारका में, भगवान श्री कृष्ण खेलते हैं वृंदावन में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण खाते हैं जगन्नाथपुरी में। इसलिए जगन्नाथपुरी का जो प्रसाद है, अगर कोई एक बार पा लेता है तो उसका जितना भी सारा पाप है वो सब नष्ट हो जाता है। और भगवान जैसे जगन्नाथ जी, जैसे कुछ दिन पहले स्नान यात्रा हुई, स्नान यात्रा भगवान को स्नान करवाया जाता है और फिर भगवान बीमार पड़ गए। भगवान अपनी इच्छा से बीमार पड़ते हैं कि इतने से इतना 15 दिन में बीमार पड़ूंगा। क्यों पड़ते हैं? हम लोगों के साथ रेसिप्रोकेट करने के लिए। देखो देखो, तुम भी बीमार पड़ते हो ना, तुम भी बीमार पड़ते हो ना, मैं भी बीमार पड़ता हूँ, देखो मुझे भी बुखार चढ़ती है। तो भगवान ये रेसिप्रोकेट करते हैं, सेम 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 सेम, हम भी सेम, तुम भी सेम, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं जगन्नाथ हूँ ना, तुम भगवान से दूर नहीं हो, तुम मेरे निकट ही हो, बस आओ मेरे पास, आओ मेरे दर्शन करो। तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं हमारे साथ। और फिर आप लोगों को पता ही है कि स्नान यात्रा के बाद भगवान को हाथी जैसा भेष बनाया जाता है, गजा भेष दिया जाता है। ये हाथी जैसा भगवान को क्यों बनाया जाता है, तो इसके लिए भी एक बहुत ही सुंदर स्टोरी आती है, तो ये स्टोरी मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो कर्नाटका में एक ब्राह्मण था जो कि गणेश जी का भक्त था, और वो अपने गांव में ब्रह्म पुराण का पाठ किया करता था। तो वो ब्रह्म पुराण पढ़ा करता था, और उसने ब्रह्म पुराण में एक लाइन पढ़ी कि अगर कोई परम ब्रह्म का दर्शन कर लेता है तो वो इस भौतिक संसार को, इस मेटेरियल वर्ल्ड को छोड़कर वो उस परम ब्रह्म के पास वापस चला जाता है। तो उसने क्या किया, उसने अंडरलाइन कर लिया उस वर्ड को कि अगर कोई परम ब्रह्म का दर्शन करता है तो वो आध्यात्मिक लोक को चला जाता है, उस परम ब्रह्म के पास चला जाता है। फिर उस ब्राह्मण ने सोचा कि ये जो परम ब्रह्म है, ऐसे परम ब्रह्म कहाँ रहते होंगे। तो उसने पूछा, कुछ लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा ये जो नीलाचल है ना, ये नीलाचल वहाँ पे रहते हैं ये परम ब्रह्म। तो उसने सोचा अरे नीलाचल में रहते हैं तो इस परम ब्रह्म के तो दर्शन करने के लिए मुझे जाना चाहिए। तो वो निकल पड़ा नीलाचल जगन्नाथपुरी में परम ब्रह्म के दर्शन करने के लिए। और वो जाते जाते वो सोचता रहा कि देखो मेरे गाँव के इतने नज़दीक रहते हैं ये परम ब्रह्म, और मैंने उनका दर्शन एक बार भी नहीं किया। मैंने इतना अच्छा, इतना रेयर मेरे को ये मनुष्य जीवन मिला, और मैंने इसको ऐसे व्यर्थ गवा दिया, मैंने ये परम ब्रह्म का दर्शन नहीं किया। तो ऐसा सोच रहा था और वह चल पड़ा परम ब्रह्म के दर्शन करने के लिए। और शास्त्रों में भी ये वर्णन है कि पूरे लाइफ टाइम में कम से कम एक बार होने से भी हमें जगन्नाथ जी के दर्शन एक बार तो करने चाहिए। बहुत कठिन होती है उस ब्राह्मण की यात्रा, कोई अरेंजमेंट करके नहीं जाता है, कोई खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, रास्ते में अगर पानी मिल गया तो पानी पी लेता है और सूखे पत्ते खाकर वो चल पड़ता है। तो ऐसे वो चलते रहता है, तो अटरा नाला करके एक ब्रिज है, उस ब्रिज के पास वो पहुँचता है, और वहाँ से उसको जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल का जो चक्र है, उस चक्र का उसको दर्शन होता है। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि चक्र दर्शनम पापखंडनम, ये जो चक्र है ये जगन्नाथ जी से अभिन्न है। अगर कोई जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर पाता तो वो इस चक्र का अगर दर्शन कर ले तो उसको सेम फल मिलता है जगन्नाथ जी के दर्शन करने से। जैसे हरिदास ठाकुर, वो मुसलमान थे तो उनको जगन्नाथपुरी में घुसने नहीं दिया जाता था, तो वो इस चक्र का दर्शन करके उनको प्रणाम करते थे, तो उनको जगन्नाथ जी के दर्शन करने का फल उनको मिल जाता था। फिर वो ब्राह्मण वहाँ अर्तरा नाला से वो पहुँचता है, नीलाचल पहुँचता है, जगन्नाथपुरी को पहुँचता है, और वो स्नान यात्रा का दिन होता है जिस दिन वो ब्राह्मण पहुँचता है। और उसने देखा कि सब लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद वापस अपने घर चले जा रहे हैं। पर उसने तो उस बुक में पढ़ा था, ब्रह्म पुराण में उसने पढ़ा था कि जो एक बार परम ब्रह्म के वो दर्शन कर लेता है तो वो परम ब्रह्म के पास ही वो वापस चला जाता है। तो उसको कन्फ्यूशन हुई कि ये लोग तो परम ब्रह्म के दर्शन कर रहे हैं तो ये लोग वापस क्यों आ रहे हैं, वापस अपने घरों की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो उसको उसके अंदर ये कन्फ्यूशन हुई, उसको लगा कुछ गलत स्थान में तो नहीं आ गया मैं, किसी ने कहा कि यहाँ पर नीलाचल है, यहाँ परम ब्रह्म रहते हैं, लेकिन मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि वापस लोग अपने घर के चले जा रहे हैं, कोई परम ब्रह्म के पास नहीं जा रहा, तो मैं कहीं गलत स्थान में तो नहीं आ गया। वो कन्फ्यूज़ हो गया। फिर ब्राह्मण ने
क्या किया, वहाँ पर एक पंडा थे, उस पंडा से पूछा कि परम ब्रह्म यही रहते हैं क्या? तो पंडा ने कहा हाँ यही रहते हैं। तो ये लोग सारे दर्शन करके वापस अपने घर जा रहे क्या? तो उस पंडा ने कहा हाँ सब लोग घर जा रहे। तो वो और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया। फिर वो ब्राह्मण वहाँ से एक पेड़ के नीचे गया, पेड़ के नीचे जाकर उसने फिर से ब्रह्म पुराण खोला और उसने फिर से पढ़ा। उसने सोचा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया, उसने फिर से पढ़ा। उसने पढ़ा कि अगर कोई परम ब्रह्म का दर्शन कर लेता है तो वो इस भौतिक संसार को छोड़कर आध्यात्मिक संसार में चला जाता है, आध्यात्मिक लोक में चला जाता है। उसने कहा नहीं, ये बुक तो सही है, शायद एक जगह ही गलत होगी, मैं गलत जगह में आ गया। बुक तो सही बोल रहा है, पुराण तो भगवान की वाणी है, भगवान की लीलाएं हैं, वो तो सही बोलेगा, लेकिन ये जगह, ये क्षेत्र, ये गलत है। तो वो वापस जाने लगा। तब वो जाने लगता है, तब जगन्नाथ जी आ जाते एक ब्राह्मण का रूप लेके, और वो कहते हैं, जगन्नाथ जी उस भक्त से कहते हैं कि जो तुम पढ़ रहे हो ना वो एकदम सच है और यही वो स्थान है जहाँ पर परम ब्रह्म रहते हैं। तो फिर उस ब्राह्मण ने पूछा तो फिर सब लोग वापस अपने घर क्यों जा रहे हैं? तो फिर जगन्नाथ जी जो कि उस ब्राह्मण के रूप में आए थे, उन्होंने कहा कि जगन्नाथ जी तो चाहते हैं कि इन सबको वापस अपने धाम ले जाए, लेकिन इनको ही जाने की इच्छा नहीं है। ये लोग तो अपने घर से इतने अटैच्ड है कि ये लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करके वापस अपने घर चले जाते हैं। तो भगवान हमारे ऊपर भक्ति को इम्पोज नहीं करना चाहते, भगवान चाहते हैं कि हम भगवान को चूज़ करें, बिकॉज व्हेन देयर इज़ लव देयर इज़ चॉइस। तो भगवान चाहते हैं कि हम भगवान को चूज़ करें, भगवान इम्पोज नहीं करना चाहते भक्ति हमारे ऊपर। तो ऐसा कहा उस ब्राह्मण ने। तो फिर उस ब्राह्मण ने उसको लेके गए जगन्नाथ जी के दर्शन करवाने के लिए। तो अब वो ब्राह्मण तो गणेश जी का भक्त था, तो उसको लगा कि ये जो परब्रह्म होंगे ये गणेश जी का ही कोई रूप होगा, गणेश जी की तरह दिखते होंगे ये परब्रह्म। तो जब उन्होंने जगन्नाथ जी को देखा, उन्होंने देखा अरे ये कैसा भगवान है, दो दो बड़ी बड़ी आंखें, इतनी बड़ी मुस्कान, पेट ऐसा निकला हुआ है, दो हाथ आगे की तरफ है, ये कैसा भगवान है, ये तो परम ब्रह्म मुझे नहीं लग रहा। तो उसने दिल पे पत्थर रखकर वो जाने लगा कि नहीं ये तो परम ब्रह्म नहीं है। तो उस समय स्नान यात्रा हो रहा था, तो स्नान यात्रा के बाद जब थोड़ी देर बाद जगन्नाथ जी के दर्शन खुला तो सब देख के अचंभित हो गए कि जगन्नाथ जी गणेश जी के रूप में वो गजा का भेष धारण करके रखे हुए। तो जगन्नाथ जी ने अपने पंडित को कहा कि ये मैंने अपने भक्त के लिए धारण किया है, मेरा भक्त एकदम श्रद्धा से आया था मुझसे मिलने के लिए, उसको लगा कि मैं गज के समान होऊंगा, तो उसका खुशी रखने के लिए मैंने ये रूप धारण किया है। तो आज से हमेशा मुझे तुम लोग गजा का भेष पहनाना, स्नान यात्रा के बाद मुझे गजा का भेष तुम पहनाना, और ये गजा का भेष इतना दुर्लभ होगा कि ये साल में सिर्फ एक ही बार मैं ये गजा के भेष में आऊँगा, और अगर कोई इस भेष का दर्शन कर ले तो उसको मेरे धाम वापस जाने का मौका मिलता है और उसके हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद से जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी को गजा भेष पहनाया जाता है। तो ऐसे हैं भगवान जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ इज़ सो मर्सीफुल, बहुत मर्सीफुल है अपने भक्त के लिए। तो क्योंकि अभी जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर के वहाँ है, क्योंकि रथ यात्रा हुई कुछ दिनों पहले, तो अभी जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर में है, तो वहाँ पे भी अगर गुंडीचा मंदिर में अगर कोई रात को दर्शन करता है तो उनको हजार गुना ज़्यादा फल मिलता है जगन्नाथ पुरी में एक बार दर्शन करने से। ऐसा ये है जगन्नाथ जी की महिमा। तो हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।